इतना बड़ा गोश्त तो निकलना है क्या, मामूली बात है क्या? मानव समाचार, मानवता के हक में। हमारे गुलशनाबाद के महल्ले में 3 बच्चों को कुत्ते ने काट लिया है। कॉर्पोरेशन ना कोई बात हम लोगों पे सुनवाई लेती है। अली अकबर में भी 10-12 कुत्ते हैं, गली में भी 10-12 कुत्ते हैं, गांधी मार्केट में भी इतने कुत्ते हैं। अभी 3 बच्चों का आज के आज में आधा घंटे में 3 बच्चों को कुत्ते ने काट लिया और तीनों बच्चे ज़्यादा जख्मी हालत में है और सबको अस्पताल लिया गया और वहाँ पर भेजे सिविल में, तो सिविल वाले लोगों को प्राइवेट में भेज दिए। और जितने भी जो बच्चे हैं गरीबी हालात के, उनके खस्ता हालात है कि वो खा पी भी नहीं सकते सीधे, तो मेडिकल का खर्च कैसा करेंगे वो लोग? हाँ, तो इसके लिए गवर्नमेंट कोई अपने बच्चों यानी सहूलत निकाले, कॉर्पोरेशन निकाले, हाँ मेंबर लोग आके ध्यान दे जरा बच्चों पे। इस पर ये कुत्ते का है ना, ये मसला है, जान से चले जाएंगे वो बच्चे। इतना बड़ा गोश्त तो निकलना है क्या, मामूली बात है क्या? इसका खर्च कौन उठाएगा? हाँ, वो बच्चों के दूध के खाने के वांदे रहते, हाँ वो बच्चों को प्राइवेट अस्पताल भेजा गया, तो अब क्या करेंगे? हाँ, एक टुकड़ा वो गोश्त होगा पूरा है, वो कुत्ता लेके चले गए बड़ा। यहाँ के कॉर्पोरेटर का भी हम फोन लगाए थे तो नमाज के लिए गए थे, अभी फिलहाल अभी आधे घंटे एक घंटे से कोई आया नहीं यहाँ पर, और बच्ची बहुत ज्यादा सीरियस है, फैमिली सब ये अस्पताल गए हैं सब। वो बच्ची बोल भी नहीं पा रही अभी, वो बोल भी नहीं पा रही है कि वो किस तरीके से बोले, उसकी बच्ची इतनी सीरियस है। हाँ बोल बोल, इसके जिम्मेदार कौन है? कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन कमिश्नर आए और इस पे ज्यादा से ज्यादा इस बोलना वाला बोल रहे ना, बोलना उस बच्ची की माँ की हालत ऐसी है कि वो बोल नहीं पा रही, उसकी आवाज भी अंदर चली गई। भैया बोल तो, कुत्ता अभी तक मिला नहीं है, 3 बच्चों को काट चुका है, पूरे घर के सब रो रहे हैं। घर के पास बच्चे घेर रहे हैं तो इधर कोई तवज्जो नहीं ना। कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब ने आके इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए और इनको मुआवजा मिलना चाहिए। बोल, मेरे बच्चे को मुआवजा मिलना चाहिए, कॉर्पोरेशन में कर नहीं सकती ऐसी हालत। बोल, मेरे घर खराब है, मेरे घर खाने के, मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मेरे आदमी काम पे नहीं है, मेरे बच्ची का इलाज कैसे होगा? बाहर निकली गली में खेल रहे थे बच्चे, दरवाजे के सामने बच्ची खड़ी हुई थी, बाहर भी नहीं गई थी।